तो हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई, आज एक स्टोरी के साथ हम इस गेम को प्ले करने वाले हैं। इसमें भाई बहुत हार्ड वर्कर पर्सन है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि स्टोरी आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं इसको प्ले करने वाला हूं और उस स्टोरी के साथ साथ में आज इस गेम को हम खेलने वाले हैं, जो कि अपनी पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे डाले हुए हैं। तो आज मैं इसका काम देख लेते हैं और इसको ना जल्दी से जल्दी कोशिश करनी, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, इनकी पापा एक्सपायर हो चुके हैं। और भाई, कंधे पे जिसको बोलते हैं ना जिम्मेदारियां आ जाना, तो वो जिम्मेदारियां इसके कंधे पे आ चुकी है। ये इसकी मदद करते हैं कैसे ना कैसे करके, जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं इसकी हेल्प करते हैं। तो इसका पहले चेकआउट कर लेते हैं हम लोग कि इसके अभी वर्किंग क्या चल रही है। तो वर्किंग से क्या रहेगा, अभी 18 नंबर पे प्रीपेड फील्ड 18 फ्रॉम द सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। ओके, अगली फसल के लिए जो एक 18 नंबर जो किला है, खेत है, उसको रेडी करना है अगली फसल के लिए। तो यहाँ पर इसने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर खेत। 16 नंबर खेत के अंदर 28% वर्क हो चुका है। इसमें हमने गेहूं की फसल के जो बीज होते हैं, बिजाई जिसको हम बोलते हैं, बिजाई करना, उस बिजाई को हम 16 नंबर खेत में करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हम तीन कॉन्ट्रैक्ट इस चीज के अंदर ले सकते हैं और तीन कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम फिलअप हम करके रेडी ऑलरेडी रहेंगे, रेडी तैयार रहेंगे इस चीज के लिए। तो भाई, इसमें क्या है कि ट्रैक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, बट कुछ आइटम है जो हमारे पास नहीं है। तो 11421 का आप स्क्रीन पे देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड नंबर का। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोरो करना पड़ेगा हमारे पास सारी सहूलियत होने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ सहूलियत हमारे पास नहीं है। और मैं नहीं चाहता, मैं कंफ्यूज हूँ, फिर उसको हमें शॉप करने के लिए मार्केट में जाऊँ, कुछ गलती करके कुछ और आइटम खरीद बैठूँ, और इतना बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं शॉपिंग कर चुका हूँ बहुत सारी, और इस शॉपिंग को और नहीं करना चाहता, थक चुका हूँ। ऑलरेडी हमारा ये चला हुआ है, इसको मैं लगा देता हूँ ऑटोमेटिक पे, एआई में वर्कर लगा दिया मैंने इस पे। तो हमारा है नेक्स्ट एक और कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो मैं देख लेता हूँ। 16 नंबर रेडी है, एक 18 नंबर, इसकी भी लाइट ऑन कर लेता हूँ, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो चलिए, इसने कितना काम किया है, इसको भी मैं ऑटोमेटिक, ओ ये तो कर ही नहीं रहा भाई, क्यों, एक सेकेंड, ओके ये गलत खेत में आ चुका भाई। ओके क्या है भाई ये, ओके ये उठी हुई है, मैं एक बार ही चेक कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, कोई मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो मुझसे। एक है 8 नंबर कल्टीवेटर, ठीक है, 18 सॉरी, ये तो हमारा नया, नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई अलग ही है। तो 16 नंबर हमने चेक कर लिया है, दूसरा 18 नंबर पे है फील्ड नंबर अवश्य, ओके ठीक है, रेडी करना है ये, 18 नंबर चेक कर लेते हैं। तो हमारा 18 नंबर पे वर्किंग पे लगा हुआ है, तो यही हमारा खेत है। तो यहाँ से मैं इसको शुरू कर देता हूँ, ये लगा रहेगा अपने बेचारा ऑटोमेटिक करने, क्योंकि खेत लंबा है, काफ़ी लंबा खेत है। ध्यान से भाई, ध्यान से, मुझे पता है इस पर्सन को सोए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और बेचारों की आंखों में इतनी सारी नींद भरी हुई है ना भाई, पूछो मत आप क्या हो रहा है इसके साथ। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, अगर ये हिम्मत करने वाला पर्सन है। एक सेकंड, मैंने गलत लगा दिया, मुझे लगा कि थोड़ा सा एरिया और ओपन करेगा ये, बट नहीं कर पाया, मेहनत लगने वाली है इस काम में इसकी काफ़ी सारी। तो चलिए इसको हम रेडी करके छोड़ देते हैं, फिर ये अपने आप ही लगा रहेगा काम पे। चलिए हमने इसको ऑटोमेटिक पे लगा दिया है, ऑटोमेटिकली ये वर्किंग करता रहेगा, जैसे अभी खेती, हाँ रेडी कर रहा है नेक्स्ट फसल के लिए। तो ये हमारा हो गया है। चलिए अब हमें जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो है 11421 डॉलर का। तो ये है खेत नंबर एक। तो पहले तो हम खेत नंबर एक देख लेते हैं किधर है ये खेत नंबर एक। तो यहाँ पर हमारे व्हीकल्स हैं। ओ माय गॉड भाई, आप देख रहे हो मैप में जहाँ पर आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैं एरो का जो निशान है 19 नंबर खेत के पास में, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी A to Z सारी मशीन अवेलेबल है यहाँ पर, और खेत नंबर एक बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो देखते हैं। चलिए मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को एक बार और, ताकि मुझसे कोई गलतियाँ ना हो। मूव द ग्रास इन फील्ड। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस खेत के अंदर ग्रास है जो जो खरपतवार बोलते हैं जिसको, मतलब अनवांटेड
रीजनरेशन इन द फील्ड। तो जो अनवांटेड रीजनरेशन है, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड के हेल्प से कई बार उसको जला भी देते हैं खेतों के अंदर, तो उसी तरीके की मूव द ग्रास इन फील्ड, सबसे पहले तो नंबर वन वो करनी है। देन ड्राई इट विद अ टेडर एंड अ बेल इट, टेक द बेल्स टू एनिमल डीलर। तो हो सकता है कि उस ग्रास के हमने साचे बनाने पड़े, उसको रेडी फॉर मेड तैयार करना पड़े, उसकी गोल गोल राउंड ऑटोमेटिकली हमें बना के उसको एनिमल डीलर, यानी कि जो एनिमल जानवरों को पालने वाला जो डीलर होता है, तो आपको पता है जहाँ पर जानवर होते हैं तो वहाँ पर ग्रास की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस डीलर के पास हमें ग्रास देना पड़ेगा फाइनल एंड में, जब उसका रेडी हो जाता सब कुछ। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अब आगे, एक नंबर खेत पे। तो अभी हम लाइट ऑन कर देते हैं, भाई लाइट के बिना तो कुछ भी नज़र नहीं आता। सबसे पहले मुझे उतर के देखना पड़ेगा ये कौन सा है, भाई मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। रेंटेड बाइड यू, ओके रेंटेड बाइड तो समझ में आ रहा है, ये खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं अभी इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मुझे। यहाँ पे तीन ट्रैक्टर है हमारे पास, भाई ये भी काफ़ी हैवी है जो मुझे मिला है, ठीक है चलिए ये कनेक्ट हो चुका है। पहले मैं इसको ना चेक कर लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ, अनफोल्ड कर लेता हूँ, ये कैसे वर्क करेगा। चलिए इसको पीछे कर लेता हूँ, अड़ेगा वरना ये, ठीक है ओके। तो ये आई थिंक ये कट करेगा, तो सबसे पहले मुझे इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और नेक्स्ट मैं इसको देख लेता हूँ ये कैसे वर्क करेगा, ओके ये कनेक्ट नहीं हुआ अभी लग, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसका हम गेम खेल लेते हैं, ये क्या करने वाला है। ओके आई थिंक यही कटर है, ग्रास को यही कट करेगा। लोअर मूवर टर्न ऑन, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ यही कट करेगा भाई सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसी को लेके जाता हूँ, चलो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है टर्न ऑफ डोंट वरी, होल्ड इसको फोल्ड कर लेता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये कटर ही है भाई, हाँ कट करने वाला ग्रास कटर है। और अनफोल्ड मूवर, चलिए अभी हम चलते हैं खेत नंबर एक पे। तो जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके पहले मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तब तक हमारा वो काम फिनिश हो जाएगा। और वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो में अगर एक सेकंड यार, ये ना मैंने वेट नहीं उठाया गया इसका, ये काफ़ी हैवी है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ है, आई थिंक ओ माई गॉड। ओके इससे मैं इकट्ठा कर पाऊंगा, मुझे इनमें से कोई और आइटम भी मैं उठा सकता हूँ क्या भाई, ये तो नीचे लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा है, अभी भी लगेगा क्या, अभी भी लग रहा है भाई, ये अभी भी लग रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है भाई। लिफ्ट मूवर, अब ऊपर उठा भाई, अब नहीं लगेगा ये, तो कैसे ना कैसे करके मैं एक आइटम और ले जा सकता हूँ क्या। चलिए एक आइटम को मैं ले जा सकता हूँ, ठीक है इन आइटमों को तो मैं साथ ले ही जा सकता हूँ कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि ज्यादा चक्कर काटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो चलिए बिना देरी किए शॉर्टकट मैं देख लेता हूँ, शॉर्टकट कौन सा होने वाला है बिना किसी को परेशान किए। एक नंबर हम जा रहे हैं, वैसे यहाँ से भी जाया जा सकता है और बीच में से इधर से भी जाया जा सकता है, तो आई थिंक मुझे इधर से जाना चाहिए। तो आ चुका है हमारा टर्न, यहाँ से फाटक से हम टर्न लेने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल सीधा रोड है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ कमेंट में आप बता दिया करो, थोड़ा सा लेफ्ट मैं आई थिंक एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए, मैं ठीक जा रहा हूँ ना, हाँ ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही जाएगा वैसे, और मुझे ऐसा लग रहा है इस खेत के साथ साथ में मुझे जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा रास्ता, हाँ मुझे ये रास्ता मैंने मुझे पकड़ लिया है, अब ये सीधा ही चला जाएगा, मुझे रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड बाय साइड में जा सकता हूँ आसानी से, और मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, भले ही खेत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, किसी भी हाल के अंदर इस खेत को हमने रिकवर करना होगा, खेत हमारा आ चुका है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अरे भाई कट कर रहा है भाई, ये तो सही है, ये सही सिस्टम है, बिल्कुल सही काम कर रहा है भाई, मैं तो काम का, चलिए ऑटोमेटिक पे इस पर लगा देता हूँ, कट करा बट बीच में से छोड़ रहा भाई ये, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, बीच में से छोड़ रहा है, देखना पड़ेगा।
आई थिंक सबसे हैवी काम यही करेगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इसको यहाँ छोड़ के अब मैं उसके पीछे लगा देता हूँ इसको। चलिए आप रुक जाइए सर, आपकी हेल्प मैं करता हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है भाई, ये फंसेगा अटकेगा पता नहीं क्या क्या करेगा। तो जो बीच वाला जो गैप है ना, अच्छा रास्ता ब्लॉक हो चुका उसका, नहीं कर लिया उसने अपने आप को, सुलट लिया है। और मशीनों का समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा आइडिया, बिल्कुल रेलवे ट्रैक पे भाई। ये जो बीच वाला जो हिस्सा बचता है ना, आई थिंक ये इसका वर्क आसानी से कर पाएगा। इसको मैं करता हूँ ठीक है, इसको मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, नहीं कर रहा भाई, एक सेकंड, पहले मुझे डाउन करना पड़ेगा। और डाउन करने के बाद ओके ठीक है, अभी मैं इसको टर्न ऑफ ऑन करता हूँ, ये देखते हैं। हाँ आप देख रहे हो बीच में, अब ये बीच वाला ही कट कर रहा आसानी से। उसके बाद मैं मशीन दूसरी लेके आऊँगा, ये देख लीजिए आप, हमारे पास ड्रोन शॉट भी है आसानी से। आसानी से कर रहा है वो, सिट सिट थोड़ा सा आउटसाइड निकल रहा है यानी इसके हिसाब से हमें करना होगा। चलिए और आप देख रहे हो आउटर पे भी आके ये काम वर्क कर रहा है। बिल्कुल बीचों बीच हम वर्क कर रहे हैं आसानी से भाई। भटक भटक मत भाई, भटक मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेहनत दोबारा करनी पड़ जाए मुझे। ऊपर से जिम्मेदारियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस भाई पर। और स्पीड 22 मेंटेन किया हुआ है इसने, और इसमें क्रूज मॉडल भी है, ये मेरे पास क्रूज वाला ऑप्शन है। और मैंने सबसे हैवी लिया हुआ है इसको, चेंज द क्रूज। चलिए इसको थोड़ा उठाता उठा लेता हूँ, बार के लिए ये हो चुका है एक ही। ओके ओके चेंज द डायरेक्शन, वाह ट्रैक्टर देख सकते हो आप, पीछे भी वर्क करेगा आगे भी वर्क करेगा। चलिए तो ये तो ठीक है, लोअर टॉगल रेडियो चेंज क्रूज, बट ये है ना, ये एक काम करता हूँ मैं इसका भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है मुझे। प्रॉब्लम क्या आने वाली है, क्योंकि मुझे इस ट्रैक्टर की ज़रूरत है और ये भाई छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, पीछे वर्क करने लगा ये। ओके अब सामने गया ये, नदी भाई, रात का सीन है। और यहाँ से हम इसको हम कैसे ना कैसे करके, ट्रेन का ध्यान रखना पड़ता है भाई, ट्रेन कभी भी आ सकती है, नो गारंटी। अपने सामान की सवारी खुद जिम्मेदार है। कॉन्ट्रैक्ट 80 नंबर हमारा फिनिश हो चुका है स्क्रीन पे, जैसे आप देख रहे हो 18 नंबर फील्ड का काम हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार मैं इसको जैसे ही मैं अपनी पार्किंग में ले जाता हूँ तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, और इसको मैं देखता हूँ ये छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। छोड़ दे यार, क्या बिगाड़ा हमने तेरा। फिर भी भाई रात के आप टाइम देख रहे हो, ऊपर 2:44 का वक्त हो चुका है इसके अंदर, यानी कि मैं 10 बजे लगा था रात के, और यहाँ पर सुबह के 3 बजने वाले हैं। सुबह के, रात के भी बोल सकते हो आप, लेकिन 4 बजने के बाद अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी। तो चलिए भाई, तो अब इसका क्या काम रहेगा, अब जैसे ये आप देख रहे हो ना, इसका काम इतना रहेगा कि ये जो बाउंड्री बनी हुई है, दीवार बनी हुई है घास की, ठीक है। अब इसको हम करते हैं फॉल, ये गट्ठर बनाएगा और लोअर पिकअप, ठीक है, और ऑन, ठीक है। अब देख सकते हो आप, क्योंकि मैं अब इसको इसको नहीं दूंगा ये काम, क्योंकि उसके उसको काम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये आप देख रहे हो, आपको मैं बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ, इधर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये जो दीवार बनी हुई घास की, ये क्या करेगा, इसको उठाएगा और पीछे से गट्ठर बना के फाइनली इसको रिलीज़ कर देगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जल्दी से, और जैसे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये गट्ठर, एक गट्ठर बन जाएगा 100%। ओके एक गट्ठर रेडी है, और ये गट्ठर बना के फाइनली गिराता जाएगा लाइन वाइज लाइन, और फिर इसको हमने मशीन के जरिए उठाना है। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम सिर्फ वर्किंग पे ध्यान देते हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल आसानी से,
ये देखो आप देख रहे हो पीछे से अभी अभी गट्ठर बना के इसने गिराया है। तो ऐसे ही बना के गट्ठर को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के मशीन बनाती है और इकट्ठा करती है सामने से, बिल्कुल इसको इकट्ठा बना देती है ताकि रेडी फॉर मेड बिल्कुल ये चारा बिल्कुल एनिमल डीलर के पास जाएगा। और एनिमल्स डीलर क्या करेंगे, इस चारे को परचेज करते हैं और फिर वो जानवरों को खिलाने के लिए यूज के लिए यूज करेंगे। तो उधर से ये लास्ट लाइन थी और लेफ्ट साइड का हमारा पेंडिंग है। तो हम इसको अरे भाई 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 क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, लाइन छूट गई थी भाई, आराम से बी केयरफुल। आधी लाइन कवर की इसने, पूरी लाइन कवर करनी है भाई, ऐसे नहीं छोड़ना। अरे भाई कहाँ चला गया, गलती से दूसरा बटन दब गया भाई। चलिए एक सेकंड, मैंने चालू नहीं किया इसलिए पूरी लाइन पेंडिंग हो गई काम। अगर गलती से मेरे पास अगर कोई मेरा खुद का ट्रैक्टर नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी मुझे, ये बात तो सच है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। लेकिन फिर भी हमारा काम काफ़ी आसानी से हो गया। चलिए ओ सिट, अभी क्लास टू है, फाइनल टू है, उसके बाद ये वीडियो हम रेस्ट कर देंगे क्योंकि हमने तीन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आप ऊपर देख सकते हो, 126,000 डॉलर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और आप देख भी रहे हो उसमें खर्चा भी करता है भाई। मैक्सिमम हम है ना जो बोरो करते हैं ना टूल्स, उसमें हम बहुत कम रुपये कमा पाते हैं, ये बात भी सच है। चलिए अब हमने इसको ले लिया है, इसको भी जोड़ लिया है हमने, अब इसका थोड़ा सा काम है, बस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगे, फाइनल काम है इसका। उसके बाद इसके कॉन्टैक्ट जो डीलर रहेगा उससे हम चेक कर लेंगे कि एनिमल डीलर किधर रहेगा, मैं अपने चेक करके उसको ये चारा हम सौंप देंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही वो काम हम कर देंगे फाइनल कम्प्लीटली तौर पर हम फ्री हो जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से और हम अपने पैनल आसानी से मिल जाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस काम को तो हमें करना ही होगा। आपने बंदे को देखा कितनी मुश्किल से वर्क कर रहा भाई ये बंदा, और यहाँ से रास्ता है, मैं खाम खा उधर से जाता था, यहाँ से भी एक कच्चा रास्ता है जो खेतों का रास्ता होता है स्पेशली, जिसको हम हरियाणा के अंदर उसको प्लॉटी बोलते हैं, प्लाटी प्लाटी ठीक है, और अलग अलग रास्ते भी अलग अलग बोला जाता है उसको। और एक सेकेंड में दूसरे खेत में आ चुका हूँ, तो दूसरे खेत में आ चुका हूँ तो मैं इधर से ले लेता हूँ। चलिए रेलवे ट्रैक आ चुकी है, ये रास्ता भी कच्चा है, यहाँ से हम दे सकते हैं, आप देख रहे हो इधर से ट्रैफिक भी चल रहे हैं और रेलवे लाइन भी है। तो हम क्या करेंगे इधर से इसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं ये वाली लाइन से। तो चलिए आप रेडी हो जाइए ऑपरेट, ये आप देख सकते हो जी मशीन देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन इसको उठाएगी, चलिए ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेस यहाँ पर, और चलिए 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 इसने ये भी उठा लिया, ये देखो कितनी मस्ती से काम हो रहा है यहाँ पर। और रात का वक्त है, इस पड़ाव को मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वाले पड़ाव को मैं पकड़ लेता हूँ। एक सेकंड जो समझ गया मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ अच्छा बात है, क्योंकि लास्ट में आ गया ओके। गट्ठर बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत लिमिटेड है। चलिए उठा लीजिए, उठा लिया इसने, एक सेकेंड रेडी 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 फॉर पिकअप। चलिए इसने उठा लिया है गट्ठर को,
दो गठड़ इधर है, नहीं समझ नहीं आ रहा मैं कर कैसे रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसको वापस उठा के लेके आना पड़ेगा भाई। उठा ले भाई, उठा ले शर्मा क्यों, आप नहीं है ठीक, इधर पेंडिंग है, इसको भी साथ ही साथ उठाए लगते हैं, जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा। एक सामने से दिखाई भी तो नहीं दे रहा ना अच्छे तरीके से, लंबी लाइट दे दी इसको, देखिए रहा ये रहा ये रहा ये रहा, भूल गए थे इसको भी उठा ले, उठा ले उठा ले उठा ले, ठीक है ओके, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, पूरी गेम का एंड आया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा मज़ा आया भाई इस गेम के अंदर घास इकट्ठा करने में, और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोड हो चुका है, पता नहीं मुझे दोबारा चक्कर मारना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। ये बिठा लिया हमने, ये बिठा लिया, चलिए पिकअप करना, ओके ये बिठा लिया हमने, फिर ये रह गया हमारा, अब जैसे मिल रहा भाई वैसे उठा रहा, अब कोई वो नहीं है फिक्सिंग सा, जैसे दिखाई नज़र आ रहा है वैसे उठा रहा हूँ मैं, क्या बात भर गया क्या भाई, इसलिए नहीं उठा रहा है, एक सेकंड ये फुल हो गया भाई दोस्तों, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने फोल्ड करता हूँ, और ये 100% हो गया नीचे, 14% हमारा बच्चा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं कि हमें ये छोड़ के किधर आना है। फाइनली वैसे तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लगभग कम्प्लीट हो चुका है, और 11 बॉलिंग का 20% हो चुका कम्प्लीट, और एक नंबर का 24 का प्रोग्रेस का कौन सा लिया हमने, ओके ये वाला पेंडिंग है 14,000 का एक्टिव है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं, और मूव द ग्रास एंड फील्ड एंड ड्राइव विद द टेडर एंड अ बेल इट टेक अ बेल्स और एनिमल डीलर, तो नेक्स्ट है 24, मूव द ग्रास एंड फील्ड 24, देन द टाइट वाच द टेडर बेल, ये भी सेम कॉन्टेक्ट है 14,000 का, ये 24 केक का है, तो अभी हमारा चल रहा है ये वाला, तो अभी हमें देन द एनिमल ड्रिलर्स, तो अभी अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी मुझे मैप में जाना पड़ेगा, मैप में जाके हमें हम वर्क कर रहे हैं कहाँ पर, 1 के पास, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा एनिमल डीलर, तो ये तो नहीं है एनिमल डीलर, इधर से ट्रेन जा रही है लाइन पार करके, ये हो सकता है ये एनिमल डीलर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है पास में ही है, हमें इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना है, ठीक है बिल्कुल क्रॉस करना है, और जैसे हम क्रॉस करेंगे कुछ हमारे बचे हुए पैकेट इनको हम बाद में उठा सकते हैं। चलिए ये बड़ी सावधानी से हमें इस रोड पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आगे डीलर मिलेगा हमें, एनिमल डीलर, जिस एनिमल डीलर के पास हम जाएंगे और बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर इसको सेल करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही एक एनिमल डीलर, एनिमल डीलर के पास, हाँ बिल्कुल यही अपनी राइट साइड में पड़ रहा है ये, तो हमें यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, तो अभी हम आगे से आ जाते हैं पास में, ये ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो यहाँ से टर्न कर सकते हैं क्या, और हो तो रहा टर्न, चलिए तो यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते सेल इसको, ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, यहीं पर उतारना पड़ेगा हमें, ऑप्शन नहीं आया अभी लग यहाँ पर,
अनलोड, चलिए हम इनको अनलोड कर देते हैं। ये हो गया हमारा अनलोड। अभी मुझे एक बार मुझे देखना पड़ेगा प्रोग्रेस कितना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैंने इसको अनलोड कर दिया है, 20% शो कर रहा है यहाँ पे, एक्टिव अभी भी। तो यानी कि मैंने इसको अच्छे तरीके से नहीं किया क्या? देखते हैं थोड़ा सा बाहर निकल के क्या रिपोर्ट में क्या दिखाएगा ये। भाई बहुत पंगे है, जैसे किसानों के साथ होता है ना, टाइम पे पैसे ना मिलना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, तो वैसे यहाँ पर मेरे साथ भी, सॉरी मेरे साथी के साथ भी ऐसा हो रहा है। और आई थिंक मुझे यहाँ अनलोड करना था दोस्तों, मैंने गलती की है बहुत बड़ी। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गलती, इसका अनलोड ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, और ट्रैक्टर भी मैंने गलत जगह पे डाल दिया है, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। ध्यान से, बी केयरफुल। माय गॉड, बड़ा ज़बरदस्त फंस गया यार मैं, पीछे पाइप में घुस गया यार। ओके ठीक है, ठीक जा रही है, ठीक जा रही है। डाउन डाउन, नीचा जा नीचा जा, पूरा ऊपर टांग दिया भाई मैंने इसको। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये मिशन यहीं पर कंप्लीट लगभग हो चुका है, और ये इशू आ चुका है यहाँ पर। मैं इस वीडियो गेम को यहाँ पर सेव नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, सेव हो जाएगी और यहीं पे अटका रहेगा, फंसा रहेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय।